मैं प्रोफेसर राजेश कुमार यादव, जेपी शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा, डीएलएड फर्स्ट ईयर, पेपर प्रथम, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। टॉपिक है समाजीकरण क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारण। सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ सीखता है वो समाजीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको लेकर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने ढंग से परिभाषा दी। नंबर एक है वाटसन के अनुसार, जीपी वाटसन, जिन्होंने कहा समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। वाटसन ने कहा समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और दूसरे समाजशास्त्री का नाम है ड्रेगर के अनुसार, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से संयोजन करता है। ड्रेगर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से संयोजन करता है। इसके बाद किम्बा यंग के अनुसार समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति जनरीतियों, रूढ़ियों, कानूनों को अपनी संस्कृति तथा अन्य विशेषताओं, आदतों से सीखता है जो समाज के क्रियाशील सदस्य बनने में सहायता करती है, ठीक है। समाजीकरण जैसा कि मैंने बताया, बालक जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ सीखता है वो समाजीकरण के अंतर्गत आता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इस पर जो है शोध किया, रिसर्च किया, ठीक है। उन्होंने एक बच्ची को लगभग पाँच साल की बच्ची को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिए, जिसको जो है लगभग दो तीन साल तक उसको केवल खाना भोजन पानी देते थे और उसके बाद जो है अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे। उसके बाद जब उस बच्ची को कुछ वर्षों के बाद जब उसको बाहर निकाले तो वो सूर्य की रोशनी को देखकर जो है चिल्लाने लगती थी, आदमी को देखकर चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी। इसका कारण यह था कि उस बच्ची के अंदर जो है समाजीकरण जो है विकसित नहीं हो पाया। कहने का मतलब समाजीकरण ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है इसके अंतर्गत। इसके बाद दूसरे समाजशास्त्रियों ने किसी एक बच्ची को जो है जंगल में भेड़ियों के साथ रहने के लिए उसको जो है छोड़ दिए। कुछ वर्षों के पास पश्चात जब उस बच्ची को पुनः वापस लाए तो वो बच्ची जो है दो पैर पे न चलकर वो चार पैर पे चलती थी। इसका कारण इससे यह स्पष्ट होता है कि आदमी जिसके साथ रहन सहन, उठन बैठन जिसके साथ रहता है उसी के अनुसार जो है आदमी व्यक्ति ढल जाता है। जैसे एक गांव में कहावत कही जाती है कि संगत स्वभाव लोहा पानी में तैरता है, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहीं मकान खरीदता है या फ्लैट लेता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के जो व्यक्ति रह रहे हैं वो शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं, ठीक है। उसको क्यों देखता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वह क्योंकि अगर वहाँ का वातावरण गंदा है, वहाँ का व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए मतलब सिगरेट दारू पीने वाले हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपके बच्चे के प्रभाव पड़ता है कि आप अपने बच्चे को कितनों चहर दीवारी में रखकर क्यों कितनों भी रखेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वातावरण संगत का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर जहाँ फ्लैट या कमरा ले रहे हैं अगर वहाँ के बच्चे शिक्षित हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो अगर आपका बच्चा थोड़ा पढ़ने में अगर मतलब कमज़ोर है तो उसको देखकर भी वो बच्चा जो है वो पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है।
तो वही समाजीकरण है। मतलब बालक जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ सीखता है वो समाजीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारण, इसके जो है जो प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या है। नंबर एक है परिवार। परिवार जैसे बालक जो है सबसे पहले जो है वो अपने माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माता के पास रहता है। जो माता के द्वारा जो आचार व्यवहार जो भी उसको सिखाती है, जैसे माता सिखाती है पापा कहिए, मम्मी कहिए, डैडी मम्मी कहिए, चाचा कहिए, चाची कहिए, दादा कहिए, दादी कहिए, ठीक है, वो माता के द्वारा सीखता है। और जैसे ही बालक थोड़ा और बड़ा होता है तो वो बालक जो है परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसका रहन सहन, उसको उठन बैठन होता है, तो अन्य सदस्यों से घुलता मिलता है। बालक का जो है जो सामाजिक दायरा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इससे जो है बालक का समाजीकरण का धीरे धीरे विकास होता है। वह परिवार के अन्य सदस्यों से जैसे पिता से मिलता है, चाचा से मिलता है, चाची से मिलता है, दादा से मिलता है, दादी से मिलता है, बुआ से मिलता है, तो परिवार को के अन्य सदस्यों के द्वारा जो उसका आचार व्यवहार रहन सहन होता है उसके द्वारा जो भी बालक सीखता है वो जो है परिवार के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, परिवार के द्वारा बालक जो भी सीखता है, जो भी अपने अपने पिता माता चाचा चाची दादा दादी बुआ से जो भी कुछ सीखता है वो परिवार के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है आयु समूह। बालक जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे मान लीजिए बालक 3 या 4 साल का हो जाता है तो अपने अपने मित्र मंडली के साथ खेलता है, मित्र मंडली के साथ खेलता है, उस खेल के दौरान जो भी कुछ बालक सीखता है वो अपने अपने मतलब मित्रों के द्वारा जो भी कुछ सीखता है उस सीखने के द्वारा बालक के अंदर जो है एक प्रकार से जो है उस समाजीकरण का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद आता है पड़ोस। बालक थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो बालक जो है अपने पड़ोसियों के साथ मिलता है, अपने पड़ोसी के घर जाता है, वहाँ के बच्चों से मिलता है, वहाँ के बच्चे के साथ जो भी सीखता है तो वो जो है उस अगर पड़ोस में अगर बच्चा वहाँ का आपका पड़ोसी अगर शिक्षित है, समझदार है या कर्मठशील है तो आपका बच्चा निश्चित रूप से वो शिक्षित होगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अगर आपका पड़ोसी मतलब अशिक्षित है, अज्ञानता है, ठीक है, अगर मतलब किसी मतलब वो मतलब बुरी आदत है वहाँ के पड़ोसियों में, जैसे दारू पीना, सिगरेट पीना, अन्य नशा करना, तो आपका बच्चा जो है उस पड़ोसी का असर जो है आपके बच्चे के अंदर आ जाएगा। तो जो है अगर आपका पड़ोसी ठीक है तो आपका बच्चा ठीक रहेगा, अगर आपका पड़ोसी अशिक्षित है तो आपका बच्चा भी अशिक्षित रहेगा। कहने का तात्पर्य उसका ये है। इसके बाद समूह नातेदारी। बालक थोड़ा सा और बड़ा होता है, अपने समूहों में मिलता है, अपने समूह में जो भी उसकी क्रियाकलाप है, जो उसका रहन सहन है समूहों में, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान या धार्मिक कर्मकांड जो भी है, या उसके नातेदारी रिश्तेदारी में जो भी उसकी उसके साथ रहन सहन वेशभूषा तथा उसके नातेदारी में जो क्रियाकलाप की जाती है तो बालक के अंदर जो है उसके समाजीकरण का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद है विद्यालय। जैसे कि आपको पता है बालक की प्रथम शिक्षिका जो है बालक की
बालक भी प्रथम शिक्षिका शिक्षिका उसकी माता माता को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बालक जो है विद्यालय जाता है, विद्यालय में वो अपने गुरु के संपर्क में आता है, उसके गुरु के द्वारा जो भी उसको मतलब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो विद्यालय में जो भी उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो बालक के अंदर जो है एक प्रकार से समाजीकरण का विकास होता है। उदाहरण के लिए बालक जैसे विद्यालय में जाता है, वहाँ के टीचर उनको सिखाते हैं कि बालक सुबह उठकर जो है अपने माता पिता के पैर स्पर्श कीजिए, उसको छूए और अपने से बड़े जो भी आप अपने से बड़े हैं उनका पैर स्पर्श कीजिए तथा अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, ठीक है। वो बालक अगर विद्यालय में अगर सीखता है तो वो जो है बालक के अंदर जो है एक प्रकार से समाजीकरण का विकास होता है। इसके बाद विद्यालय में और जो भी मतलब कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे पढ़ाई के दौरान जैसे बालक जो है विद्यालय में अपने साथियों के साथ जो खेलता है, उस खेल के दौरान जो है बालक के अंदर जो है एक समाजीकरण का विकास होता है। और विद्यालय में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे नाटक हुआ और संगोष्ठी हुआ, ठीक है, और कल्चरल प्रोग्राम जो हुआ, उसके अंदर बालक के अंदर जो है एक प्रकार से समाजीकरण का विकास होता है। इसके बाद अन्य समूह, बालक के अंदर अन्य समूह में जैसे धार्मिक समूह या अन्य समूह में जैसे धार्मिक कार्य और जो भी बालक के साथ जो भी खेलते कूदते हैं उसके अंतर्गत जो है ये अन्य समूह के अंतर्गत आता है। ये था समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारण। जैसे कि एक बार फिर पुनः इसको देख लीजिए, समाजीकरण क्या है। समाजीकरण क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है उसे जो है समाजीकरण कहते हैं, ठीक है। समाजीकरण की परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार की, जैसे पहला है जीवी वाटसन के अनुसार, समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जीवी वाटसन के अनुसार जो है समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसके बाद दूसरे समाजशास्त्री ड्रेवर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज तथा वातावरण के साथ संयोजन करता है, ठीक है। इसके बाद किम्बाल यंग के अनुसार समाजीकरण का अर्थ यह है कि व्यक्ति जिन रीतियों, रूढ़ियों, कानूनों अपनी संस्कृति तथा अन्य विशेषताओं तथा आदतों को सीखता है जो समाज के साथ क्रियाशील सदस्य बनने के लिए सहायता करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक मैंने आपको बताया परिवार, दूसरा कारक है आयु समूह, तीसरा कारक है पड़ोस, चौथा कारक है समूह नातेदारी, पांचवा कारक है विद्यालय, इसके बाद अन्य समूह। ये था समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारक। आज का वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे, तब फिर